हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले जेई मेंस के प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो जेई मेंस 2019 में लिमिट्स का प्रॉब्लम आया हुआ था। ठीक है, तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई फोर कॉट क्यूब एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन कॉस पाई एक्स प्लस पाई बाई फोर। ठीक है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं 4, 4√2, 8√2 एंड 8। ठीक है, फोर ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। जब लिमिट की प्रॉब्लम एग्जाम में आती है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि कौन सा फॉर्म बन रहा है लिमिट की, ये कौन सा फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पहले क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई फोर, पाई बाई फोर, ओके, और ये क्या है, कॉट क्यूब एक्स माइनस का टेन एक्स अपॉन अपॉन कॉस एक्स प्लस का पाई बाई फोर। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पे जैसे ही पाई बाई फोर रखोगे, पाई बाई फोर का मतलब कितना होता है 45 डिग्री, पाई बाई फोर मतलब कितना होता है 45 डिग्री। तो कॉट पाई बाई फोर कितना, कॉट 45 की वैल्यू 1 होगी, टेन 45 क्या होता है 1, 1 माइनस 1 क्या होगा 0। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आ गया 0, और यहाँ पे जब पाई बाई फोर रखोगे तो पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर मतलब 90 आ जाएगा, कॉस 90 क्या होता है 0, तो मतलब 0/0 फॉर्म, ये क्या है 0/0 फॉर्म है। और जब ये 0/0 फॉर्म हो गए तो इसका क्या मतलब है, हम लोग यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल 0/0 फॉर्म में या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में अप्लीकेबल है। ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म अगर होता तब भी अप्लीकेबल होता, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। ये रूल क्या कहता है कि न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट कर दो एंड डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट कर देंगे एंड डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, कॉट क्यूब एक्स का डिफरेंशिएट करना, तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल 3 cot² x और cot x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का cosec² x, और टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है sec² x, क्या होता है टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा sec² x। ठीक है, sec² x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का sec² x आ जाएगा, ओके, sec² x आ जाएगा, ओके, अपॉन में आप डिनोमिनेटर में चले आइए, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, कॉस, कॉस क्या है, कॉस एक्स प्लस फाइव बाई फोर, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है साइन, तो साइन क्या आ गया एक्स प्लस का पाई बाई फोर। ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने इतना काम किया, तो दे उसके बाद फिर जैसे आपने एक स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व कर ली, ठीक है, तो देखिए क्या है, अब उसके बाद कोई फॉर्म बन रहा है, जैसे पाई बाई फोर रखा तो यहाँ पे साइन 90 आया है, डिनोमिनेटर में साइन 90 आया तो ये वन हो जाता है। ठीक है, अगर न्यूमिनेटर में रखेंगे तब भी वहाँ पर कोई फॉर्म वगैरह नहीं बनेगा, तो पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, तो यहाँ से क्या जाएगा, 3 cot π/4, 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर आ गया, और cosec ये माइनस का है कितना, तो यहाँ पे cosec 45 क्या आएगा √2 का स्क्वायर आ जाएगा, ओके, माइनस sec π/4 क्या होता है भाई, cos π/4 √2 1/√2 होता है, तो sec π/4 कितना होगा √2 होगा, तो कुल मिलाकर के √2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब ये कैलकुलेशन आप जितना जल्दी कर लीजिए, ठीक है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1, तो मतलब माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करोगे, ये 3 हुआ, बिल्कुल सही, √2 का स्क्वायर क्या होता है √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो माइनस का 2 आ गया, ओके, और यहाँ पर लास्ट में क्या √2 का स्क्वायर, ये भी −2 होगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपका −1, ओके, अपॉन में क्या आ जाएगा −1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं −1, यहाँ पे लिख दिया, −1। ठीक है, अब देखो यहाँ से बेटा क्या होगा, ये 3 × 2 = 6, 6 निगेटिव और −2, तो कुल मिलाकर के −8 हो गया, −8 अपॉन क्या आ गया −1 आ गया, इज इक्वल टू क्या जाएगा, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव का 8 आ जाएगा, तो पॉजिटिव का 8 आपका डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके, तो 0/0 फॉर्म बन रहा था और मैंने एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई किया। ठीक है, और इजीली ये प्रॉब्लम को सॉल्व हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स।